अस्सलामुअलैकुम। आज जो है रशिया में, आज आपको पता है रशिया में कौन सा दिन है? आज वो रशिया में दिन है जो हर मुल्क का होता है। जैसे हमारे पाकिस्तान में 14 अगस्त होता है, इंडिया में 15 अगस्त होता है, और बाकियों का मुझे नहीं पता। जिनका भी जैसे होता है, आज उन्हीं का, आज इनका भी उसी तरह का वैसा ही दिन है, जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंस डे। और लेकिन ये इंडिपेंडेंस कैसे हुआ? खैर, इंडिपेंडेंस तो नहीं हुआ, लेकिन इंडिपेंडेंट हुआ, मतलब सोवियत यूनियन से। अब ये कैसे अलग हुआ वो हिस्ट्री आप दूसरी वीडियोस में देख सकते हैं, लेकिन आज ही जो यहाँ पे जो माहौल बना होता है ना, उसको मैं डिस्कवर करूँगा। कि शोर बहुत है पानी की वजह से, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आवाज़ आ रही होगी। तो चलो लेट्स डिस्कवर करते हैं कैसा है। 12 जून, और नीचे क्या लिखा पता है? मिव मेस्तिये, मतलब आपको नहीं पता होगा ना। चलो, मतलब ये होता है कि वी आर टूगेदर। वी आर मतलब हम भी इनके साथ हैं। जी हाँ, हम यहाँ हैं तो अब इनके साथ हैं। अभी जो है आज वैसे भी यहाँ पे इतना रश होता है, लेकिन आज हालांकि जैसे कि इनका अपना दिन है तो फिर तो रश अलग बनता है ना। और वैसे भी दूसरी बात ये है कि अब आपको हर जगह पे ना ये झंडे नजर आएंगे, ये झंडे इनके, रशिया का झंडा नजर आएगा, क्योंकि भाई इनका आज़ादी का दिन है। जैसे हमारे वहाँ क्या झंडियाँ लेते हैं, हम घूमते फिरते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो है प्रॉपर तरीके से इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। अपना हर किसी का अपना अपना तरीका है भाई। हमारा तो है ज़्यादा खुल के, इनका जो है थोड़ा कम खुल के, तो डिफरेंस यही है बस। आई थिंक ये सब बैजेस हैं उन लोगों के, अभी मुझे नहीं पता है। वैसे ये, हाँ ये सारे बैजेस हैं। निनादा да, понимаю. Нужно, я вам откалю. Да? Какой вам понравится, я вам вот откалю. Я только посмотрю. Я только посмотрю. Да. Смотрите. Смотрите. Это хорошо. Какой это, какой бейджи здесь? Что? Это какой бейджи здесь? Какой чего? Это. Вот. Вот. Есть и двое, и 150, есть и 60. Да. Да, это. То ये जो है बहुत ही पुराने हैं, ये बंदा सब जो है इन्हें बेच रहा है यहाँ इस जगह पे। मुझे वहाँ से जाना है, लेकिन यहाँ यार ये चल रहा है, लेकिन ये बंद है, वहाँ से भी इन कंट्रोल बंद है वगैरह। अब हमें ऐसे ही जाना होगा। खैर, यहाँ शहर में नहीं जा पाऊँगा, कोई टूर्नामेंट वगैरह चलने वाला है या अंदर कोई चल रही ट्रेनिंग वगैरह, रास्ते बंद है और कुछ नज़र भी नहीं आ रहा कि मैं आपको हल्का सा दिखा पाऊँ। बहरहाल, मैं जब फर्स्ट टाइम ही आया था ना, फर्स्ट टाइम रेड स्क्वायर पे, तो इस मेट्रो से मैं आया था, मुझे आज भी याद है। यहाँ ये मेट्रो है, यहाँ से मैं निकला था, ये सारा बर्फ था, ठीक है। और फिर हम यहाँ से गए थे, शाहरुख भाई थे जो अभी जो पाकिस्तान में है, वो मुझे ले आए थे यहाँ पे, यहाँ से मैं अंदर गया था। ये है, यहाँ से भी रास्ता है, शायद बंद किया हुआ क्या? नहीं, बंद तो नहीं है, देखना पड़ेगा। और ये जो है वो दूसरी जगह। अब ये कालीनगर क्या म्यूजियम है, मकबरा है, जो भी है वो मुझे नहीं पता है, पर ये है, ठीक है, जो इतना खूबसूरत लगता है। और ये वो दूसरा, ठीक है। अब इसे पता नहीं टफ उर्दू में क्या कहते हैं, हम लोग उर्दू मीडियम वाले हैं तो थोड़ा हमारे लिए जो है मुश्किल हो जाता है। पर ही म्यूज़ियम ना है, ही मकबरों आए, इनमें जो है पुराना हकाइक बकाइक बयान, ठीक है। अब इतना ही, ठीक है। अब मुझे एंट्रेंस करना होगा, वहाँ से चेकिंग हो रही है, पता नहीं जाने देंगे नहीं देंगे, वो देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं आगे कि अलाउ है भी या नहीं। हाँ तो यार, अंदर तो जाना मना है, उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, कहा कि कोई प्रोग्राम वगैरह चल रहा है। अब वो प्रोग्राम यहाँ से जैसे दिखाई भी नहीं दे रहा ना ही कहीं और से, और उन्होंने पूरा बंद कर दिया। अब वही जा सकता है जिनके जो है बच्चे हैं वहाँ अंदर हैं, कोई मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी प्रोग्राम में, तो उन्हीं के लिए। पर मुझे तो मना कर दिया, खैर नो प्रॉब्लम। लेकिन ये म्यूज़ियम और ये म्यूज़ियम जो काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं, और वहाँ पे फैन का चर्च है, वो भी मुझे आपको दिखाना था। पर ये दूसरी बार हुआ है मेरे साथ, पहले न्यूयॉर्क में हुआ और अब सेकंड बार अभी। मतलब किसी इवेंट पर अगर आपको यहाँ आना है तो यहाँ आप नहीं आ सकते, तो जहाँ तक मुझे लगता है किसी इवेंट पर, क्योंकि बंद कर देते हैं। अब उसके चारों तरफ घूम सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं जा सकते,
अब वो अंदर भी पूरा कोई स्टेट वगैरह कुछ लगा हुआ है, कोई अच्छा प्रोग्राम वगैरह बच्चों का चल रहा है जो वहाँ पे वीडियो चला रहे थे ना उसी तरह से। और खैर बाय द वे हम पार्क की साइड चलते हैं नीचे की तरफ, जरा वहाँ विजिट करते हैं। वहाँ लिखा है डू नॉट वॉक ऑन द ग्रास, और ये जनाब अपनी बात पर कायम नहीं है। तो ये सब जा रहे हैं, अब मैं भी जाऊं तो चलो। I'm sorry, you can't go here. Why, bro? You can't. It is forbidden. Ah, okay, it okay. It is forbidden. You can't go here. It is park. It is. Okay, तो मना कर दिया। खुद जा रहे हैं? मैं नहीं जा सकता हूँ। वाह भाई, वाह। ये बातें जो है मुझे दिल पे नहीं लेनी चाहिए, वरना जो है हम भी रूल्स नहीं फॉलो करेंगे, हम अपनी औकात पे आ जाएंगे। तो बहरहाल हम वहाँ चलते हैं, ज़्यादा रश है वहाँ पे। वाह आज ड्यूटी चेंज हुई है उसके डैडी। तालियां बजानी चाहिए नहीं यार, मैं काफी थक चुका हूँ। अब जो है हम घर चलते हैं, इंडिपेंडेंस डे जो है वो गुजार दिया हमने। अरे यार वो पुलिस वाले तो मतलब घूम ही रहे हैं, अच्छा मैं समझ रहा था कहीं जा रहे हैं। नहीं ये हर जगह घूम रहे, वो देखे वो जा रहे हैं। ओ वो देखे वो देखे नजर आए, ये देख लो। हाँ ये वाले तो ये अभी भी मुझे लगा कि ये शायद जो है अंदर जाएंगे कहीं, लेकिन नहीं ये राउंड वॉक कर रही है, वहाँ भी आए मुझे लगा कोई और है, लेकिन ये वही है। खैर इंडिपेंडेंस डे रशिया वालों को मुबारक हो, और यहाँ जो पाकिस्तानी रहते हैं, जो इंडियन रहते हैं, जो भी कहीं और से रहते हैं उनको भी मुबारक हो। यार ये इसने भी ना साथ छोड़ दिया मेरा, पता है एक ये भी वजह इसने मेरा साथ छोड़ दिया। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ये सब काम अभी कर दें आप। यार व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं, हर एक ब्लॉगर की रिक्वेस्ट है, हर एक ब्लॉगर की, सिर्फ मेरी नहीं है। तो जिसका भी अब लोग देखते हैं कमेंट भी किया करें, शेयर भी किया करें, और सब्सक्राइब तो कर लिया करें, उसको कोई पैसे नहीं लगते यार, सबका कर लिया करें, जितने भी डेली व्लॉग कर रहे हैं, जो भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी कर चुके हैं, जो भी करेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।